जिस तेजी से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करते बचत पूंजी खत्म हो जाती है। ऐसे में भविष्य के लिए अच्छे जीवन यापन के लिए पूंजी रोक पाना काफी मुश्किल है। ऐसे में आवश्यक है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसके अलावा साइड में कोई ना कोई बिजनेस करते रहें। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानेंगे कि गांव के लोग और किसान खेती करने के साथ साथ बचे हुए समय में कौन कौन से साइड बिजनेस कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। यदि आप गांव कस्बे में रहते हैं या आप किसान हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। यहाँ 5 बिजनेस हम आपके साथ साझा कर रहे हैं जो अपने आप में बेस्ट हैं और जो आपको लखपति भी बना सकते हैं। चलिए जानते हैं 5 साइड बिजनेस आइडियाज जिन्हें करने से किसान बन सकते हैं लखपति। खाद का कारोबार। पेड़ पौधों के लिए जितनी धूप की आवश्यकता है उतनी ही खाद की। यूं तो खाद ऐसी कई चीजों के सड़ने के बाद बनती है। यदि किसान इसका उत्पादन करते हैं और उसे बाजार में बेचते हैं तो उनकी आमदनी डबल हो सकती है। इसके लिए खाद के छोटे बड़े कई साइज के पैकेट बनाकर मार्केट में उतारें और अपने मुनाफे के हिसाब से बेच दें। इस बिजनेस के लिए लाइसेंस की आवश्यकता पड़ेगी लेकिन क्योंकि इससे ये साबित होगा कि आपके द्वारा बनाई गई खाद से किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी। ये यूज करने के लिए एकदम सुरक्षित है। खाद का बिजनेस कैसे शुरू करें इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कर सकते हैं। कृषि उपकरण किराए पर देने का व्यवसाय। आज के समय में कृषि के लिए सबसे आवश्यक चीज है कृषि उपकरण एवं मशीनें। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर न होने के कारण महंगी महंगी मशीनें और कृषि उपकरण खरीद कर अपनी कृषि के तरीके को विकसित कर पाने में असमर्थ हैं। किंतु बहुत से किसान ऐसे हैं जिनके पास महंगे महंगे उपकरण भी हैं और अपडेटेड मशीनें भी जो किसान को ताकत दे सकती हैं। ऐसे किसान अपने लिए एक साइड बिजनेस बना सकते हैं अपनी मशीनें और उपकरण को किराए पर देकर। इसके लिए वो हर महीने किराए भी वसूल कर सकते हैं। इस तरह जो किराए पर ले रहे हैं उनको भी लाभ होगा एंड जो किराए पर दे रहे हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। आटा चक्की का बिजनेस। आटा चक्की वो होता है जहाँ पर लोग आटा बेसन हल्दी धनिया आदि चीजें पिसवाते हैं। पहले के समय में ये कार्य तो पत्थर से बनी चक्की के माध्यम से होता था किंतु अब आटा चक्की के लिए मशीनें आती हैं जिसके माध्यम से आटा बहुत ही आसानी और बहुत ही अधिक संख्या में पिस जाता है। यदि आप गांव में रहते हैं या आप किसान हैं तो आप साइड बिजनेस के रूप में आटा चक्की खोलकर पिसाई का काम कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस हर दिन कुछ कुछ घंटे का समय निकालकर चक्की को खोलना होगा। यदि आप किसी टाइम को फिक्स कर देते हैं तो ये बिजनेस आपके लिए फायदेमंद होगा। इससे गांव के लोगों को पता होगा कि किस टाइम आपकी चक्की खुलेगी और उन्हें किस टाइम आना है। इस साइड बिजनेस से आप प्रतिदिन कम से कम 1000 तक की कमाई कर सकते हैं। आटा चक्की कैसे खोलें इसकी अधिक जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण केंद्र। गांव के लोगों और किसानों के लिए मिट्टी परीक्षण केंद्र खोलना भी एक बेहतरीन विकल्प है। यदि कोई किसान ऐसा है जिसे मिट्टी का पूरा ज्ञान है कि कौन सी मिट्टी में क्या गुण है तो वो किस तरह का उत्पादन कर सकता है तो ये जानकारी वो अन्य किसानों को देने का कार्य भी शुरू कर सकता है। इस बिजनेस में लोग अपनी मिट्टी के सैंपल लेकर आपके पास आएंगे और आपको उनकी मिट्टी का परीक्षण कर उन्हें इसकी जानकारी देनी होगी। इसके बदले में आपको कुछ शुल्क देंगे। इस बिजनेस के लिए भारत सरकार भी मदद कर सकती है। यदि आप साइड बिजनेस करने के इच्छुक हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। मिट्टी परीक्षण केंद्र कैसे खोलें, सरकार किस तरह मदद कर सकती है, इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक को क्लिक करें। डेयरी फार्मिंग। गांव के लोग और किसान खेती करके पैसा कमाते हैं। यदि वो अधिक पैसा बनाने के इच्छुक हैं तो उनको साइड बिजनेस भी करना पड़ेगा जिससे जब उनकी फसल रेडी हो रही हो तो वो भी बांट सकें। इसके लिए वो डेयरी फार्मिंग का बिजनेस भी कर सकते हैं। इसके लिए कृषि और पशुपालन दोनों को साथ में लेकर चलना होगा। डेयरी फार्मिंग का बिजनेस कैसे शुरू कर सकते हैं, सरकार भी कर रही मदद, अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।